family members, and welcome back to my channel. तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमित श्रीवास्तव और स्वागत करता हूं अपने चैनल के एक नए वीडियो में जो कि पर्सनल ब्लॉग से रिलेटेड होने वाला है। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि वाराणसी टू रायपुर हमने ट्रेवल किया था और 820 किलोमीटर का ये जर्नी था। 20 से 22 घंटे इस जर्नी में हमें लगे थे और अब हम रिटर्न कर रहे हैं रायपुर से। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं रायपुर जंक्शन का जो अंदर का एरिया है वो आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे सभी के सभी यात्रीगण अपने अपने गाड़ियों का इंतज़ार कर रहे हैं जिससे उन्हें जाना है अपने अपने डेस्टिनेशन पे। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो अपने स्टॉल लगा लगा के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। हर चीज़ का आपको स्टॉल यहाँ पे मिल जाएगा, वो डोमिनोज हो या बर्गर का कोई भी शॉप हो। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि स्टेशन पे बहुत सारे लोग अपने अपने ट्रेन्स का इंतज़ार कर रहे हैं और ये है जहाँ से हमें अपनी गाड़ी आते हुए दिखेगी कुछ समय के बाद। अभी टाइम नहीं हुआ है, अभी लगभग 20 मिनट का टाइम है, तो 20 मिनट में आपको पूरे के पूरे जंक्शन को मैं दिखा देता हूँ। चलते हैं इसके ब्रिज पे, ब्रिज जो क्रॉसिंग ब्रिज होता है वहाँ चलते हैं और आपको दिखाते हैं ये जो जंक्शन है उसका पूरा का पूरा नज़ारा। तो यहाँ पे गाइज हम आ चुके हैं अपने क्रॉसिंग ब्रिज पे और यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि एक ट्रेन लगी हुई है जो कि छपरा की तरफ ही जाती है, लेकिन इस ट्रेन में हमें नहीं जाना है। जाना है हमें दूसरे ट्रेन में, वो भी जाती है छपरा, लेकिन ये छपरा वाली जो ट्रेन है ये पहले निकल जाती है और हमारी वाली ट्रेन थोड़ा लेट में निकलती है। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि जो सारे के सारे यात्री हैं वो अपने अपने स्टेशन पे, अपने अपने प्लेटफार्म पे इंतज़ार कर रहे हैं अपने अपने गाड़ियों का जिनसे उन्हें जाना है अपने डेस्टिनेशन की तरफ। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि हमारी गाड़ी आ चुकी है अपने स्टेशन पे और इसी गाड़ी से हम जाने वाले हैं वाराणसी। तो ये जो जर्नी है वो 18 से 20 घंटे की जर्नी होने वाली है, 820 किलोमीटर का ये जर्नी होगा। और यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं VX7 इंजन के साथ ये जो हमारी ट्रेन है वो आ चुकी है और ये हमारी जो ट्रेन है वो जाती है दुर्ग से छपरा, यानी कि पहले हम आए थे छपरा से दुर्ग और अब जा रहे हैं दुर्ग से छपरा। तो यही ट्रेन है, आप सभी देख सकते हैं 3rd AC कोच में हमारी जो सीट है वो होने वाली है। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं B5 हमारा ये कोच होने वाला है, इसलिए हम B5 के पास खड़े हैं। B5 B6 यही हमारी कोच होने वाली है। तो आगे से देख रहे हैं कि हमारी जो ट्रेन है वो आ चुकी है। तो गुड मॉर्निंग गाइज, यहाँ पे हो चुकी है सुबह। हम पिछले दिन निकले थे रायपुर से और रायपुर से निकलने के बाद हम वाराणसी की तरफ आधे रास्ते पहुँच चुके हैं और यहाँ पे सुबह का आप नज़ारा देख सकते हैं ट्रेन के बाहर से। अभी लगभग बज रहे हैं 7 से 8 के बीच में कुछ टाइम हो रहा है। Breathless, my heart
धीरे धीरे गाइज हम वाराणसी की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे आप भी देख सकते हैं रास्तों का नज़ारा और आसपास के गांव। हम लोग किसी गांव से गुजर रहे हैं, वो आपको दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आसपास के गांव का नज़ारा क्या है। और यहाँ पे हमारी ट्रेन का रफ्तार जो है वो 100 के ऊपर चल रहा है। मैंने अभी कुछ समय पहले चेक किया तो 100 के ऊपर चल रही है ये गाड़ी, और 100 से 110 के बीच में ही इस गाड़ी को रखा जा रहा है। तो यहाँ पे आप भी देख सकते हैं गांव का नज़ारा। गाइज हम आ चुके हैं इलाहाबाद के ये जो संगम एरिया है वहाँ पे, और ये आप नदी देख सकते हैं। और साथ ही हम आ चुके हैं इलाहाबाद जंक्शन पे, जिसको प्रयाग जंक्शन भी कहते हैं। तो यहाँ पे निकल रही है एक मालगाड़ी जिसका मैं नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ। उसमें लगी हुई है वैग 9 का इंजन, और ये आप जो सामने की तरफ देख रहे हैं ये है वैग 9 का इंजन, इंडियन रेलवे का वैग 9 का इंजन आपको देखने को मिल रहा है, जो कि जुड़ा हुआ है मालगाड़ी से, और ये निकल रही है प्रयाग जंक्शन से आगे की तरफ। तो यहाँ पे गाइज हम उतर चुके हैं प्रयागराज जंक्शन पे, और यहाँ पे सामने की तरफ आपको तेल वाली मालगाड़ी देखने को मिल रही है, जिसमें कौन सा तेल भरा हुआ है हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ पे ये जो गाड़ी है बहुत लंबी गाड़ी है और ये जाने वाली है बनारस के साइड। स्टेशन पे गाइस सनी देवल आए थे, वो यहाँ का हैंडपम्प उखाड़ के चले गए हैं, तो उसकी रिपेयरिंग चल रही है। तो गाइस हमारी जो ट्रेन है वो निकल चुकी है प्रयागराज जंक्शन से, और यहाँ पे हमारी रूट को चेंज कर दिया गया है। अभी हम जा रहे थे आगे की साइड, अब आपको लग रहा होगा कि हम पीछे की साइड जा रहे हैं, लेकिन ये रूट चेंज होता है प्रयागराज जंक्शन के बाद से, और अगर हमें वाराणसी की तरफ जाना है तो ये रूट चेंज करना पड़ता है। यहाँ पे जो इंजन है वो आ जाती है आगे से पीछे, और पीछे की तरफ ये पूरी की पूरी ट्रेन चलने लगती है। तो यहाँ पे आप भी देख सकते हैं कि वाराणसी की तरफ जाने वाली जो रोड है, रूट है, वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है, और यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें बन रही हैं अभी। तो यहाँ पे गाइज हमारी ट्रेन जो है वो वाराणसी जंक्शन के पास पहुँचने वाली है, और यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं रास्तों का नज़ारा। कुछ ही समय में हम वाराणसी जंक्शन पे पहुँच जाएंगे। बने रहिए इस वीडियो पे, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो यहाँ पे गाइज हम पहुँच चुके हैं वाराणसी जंक्शन पे, और सभी के सभी यात्रीगण उतरना शुरू हो चुके हैं, उनके फैमिली मेम्बर, उनके दोस्त, उनके भाई लोग आ चुके हैं उन्हें लेने के लिए, लेकिन हम हैं अकेले यात्री जिसको कोई भी लेने नहीं आया है। और यहाँ पे आप भी देख सकते हैं वाराणसी जंक्शन का बाहर का एरिया, जिसको कैंट भी कहते हैं। अब हम निकलेंगे अपने घर की तरफ। तो अभी गाइज हम आ चुके हैं वाराणसी कैंट के बस स्टैंड पे, और ये जो वाराणसी
रेलवे स्टेशन है उसके ठीक सामने 100 मीटर की दूरी पर पड़ता है। अगर आप वाराणसी आते हैं तो सामने की तरफ ही आपको बस और उसके ही सामने की तरफ आपको ट्रेन की जो स्टेशन है वो देखने को मिलने वाली है। यहाँ पे हम निकलेंगे अपने घर की तरफ जो कि है सोनभद्र। सोनभद्र के रूट के लिए जो बस जाने वाली है वो आप देख सकते हैं सामने की तरफ लगी हुई है, उसी बस में हम जाने वाले हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो यही था, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने।